सीटर चाहिए, फाइव सीटर चाहिए, वैसे भी अवेलेबल हैं, बट आई वॉज लुकिंग फॉर दिस वन. सो दिस इज़ द लोएस्ट वैल्यूड जो कि फर्नीचर है. इट्स अ स्टूल एक्चुअली, आप देख सकते हो. दिस इज़ प्रिटी कम्फर्टेबल फॉर चिल्ड्रंस. एंड उससे आप थोड़ा नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हो तो दिस इज़ द वन. दिस इज़ 6599. दिस इज़ ऑल्सो स्टूल. एंड मुझे लगता है अगर यू नो आपको जैसे कि मिड लेवल पे कुछ देखना है तो दिस इज़ द बेस्ट 999. दिस इज़ द वन. बट इसमें हैंड रेस्ट नहीं है तो आई बिलीव ये थोड़ा सा इश्यू होगा. बट ये ऑलमोस्ट 110 किलो सपोर्ट करता है तो दैट वुड बी प्रिटी कम्फर्टेबल आई गेस. एंड अगर आपको समथिंग लो प्लेटफॉर्म में चाहिए तो दिस इज़ द वन. ये है 1199. इससे 200 रुपीज़ ज़्यादा है. एंड अगर आपको हैंड रेस्ट चाहिए एंड यू कैन यू नो यहाँ प्लेस अ ड्रिंक और वाटर तो दिस वुड कॉस्ट यू 1499. दिस इज़ द बेस्ट आई वुड सजेस्ट इफ़ यू आर लेस देन 110 किलोज. और अगर योर वेट इज़ मोर देन 110 किलोज या आपको और बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबली बैठना है तो दिस इज़ द वन. दिस इज़ 1999 अप्रॉक्स 2000. तो दिस इज़ प्रिटी कम्फर्टेबल. दिस सीम्स बिग इनफ एज वेल. और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेट मी शो यू. यहाँ आपको टेबल भी अवेलेबल हैं अगर आपको ऐसे कहीं आपको कैंपिंग करना है एंड यहाँ कुछ ऐसे रख लो या चाय वाय बना लो तो दिस इज़ द वन. बट यू आर कमिंग टू चेयर वाला ऑप्शन, दिस इज़ हियर. बट ये कैंपिंग के लिए थोड़ा सा आई बिलीव उतना कंफर्टेबल नहीं होगा बिकॉज आपको कार में लेना. अगर इनकेस आपकी मतलब नियर बाई जा रहे हो, अगर स्पेस है तो सही है, बट कहीं लॉन्ग जा रहे हो तो आई बिलीव स्पेस कंस्ट्रेन तो रहता ही है. अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पेस कंस्ट्रेन है तो दिस इज़ द वन. ये बहुत सही है, बहुत कॉम्पैक्ट है ये. बट दिस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. दिस इज़ 399 एंड दिस इज़ अबाउट 4000 आसपास का है. तो दीज आर अ बिट एक्सपेंसिव बट अच्छे ऑप्शंस हैं. सो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्रोडक्ट एज वेल. ये बेसिकली झूला है तो आप दोनों ट्री के बार्क में टाई कर लो एंड यू कैन यूज़ दिस. बहुत सही ऑप्शन है. तो ये झूला आपको 999 तक मिल जाएगा. ये बहुत स्टेबल है. अगर आप बार्क में आराम से टाई कर लो तो दिस वुड कैरी समवेयर अराउंड 100 किलोस. तो ये इट्स नॉट लाइक कि बच्चों के लिए, या आप भी आराम से यूज़ कर सकते हो. एंड अगर कैंपिंग के लिए आप और ज़्यादा एक्सटेंसिव कुछ करना चाहते हो तो अगर आपकी फैमिली बड़ी है और डे कैंपिंग है, अगर आपको दिन में कहीं बैठना है तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन. बट दिस वुड कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 12999. बट यहाँ आप आराम से एक बेड डाल सकते हो, आप आराम से एक चेयर डाल सकते हो एंड मल्टीपल, मतलब अगर जैसे मैंने वो जो चेयर लिए हैं तो वैसे टाइप आप तो 4-5 आराम से डाल के यहाँ बैठ सकते हो. तो दिस इज़ अ बिग वन. बेसिकली आपको शेडो प्रोवाइड करेगा. और अगर आपको 3 सीटर चाहिए, 5 सीटर चाहिए, वैसे भी अवेलेबल हैं, बट आई वॉज लुकिंग फॉर दिस वन. बट मैं अभी नाइट कैंपिंग तो राइट नाउ अभी करने वाला हूँ नहीं. तो आप देख सकते हो स्पेस अच्छा खासा है यहाँ. तो अभी नाइट कैंपिंग तो मैं करने वाला हूँ नहीं तो मैं ये नहीं ले रहा हूँ. बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 3 or else 2 seater. दिस इज़ प्रिटी गुड आई गेस. द बेस्ट पार्ट इज़ इट्स वेरी कंपैटिबल. आपको इतना सा पैक में आ जाएगा सो दैट्स वेरी फीजिबल इनफ. एंड अगर आपको ये बड़ी वाली फोल्ड करना है तो इतने साइज़ में आ जाएगा. तो दिस इज़ वेरी कंपैटिबल. आप देख लो इतने, ये इतनी बड़ी है बट आपको ये साइज़ तक कॉम्पैक्ट हो जाता है. तो यस कॉम्पैक्ट बहुत हैं. तो यू कैन यूज़ इट एनी वेयर. मस्त आपके कार में ले लो एंड यू कैन यूज़ इट. एंड कमिंग टू माई शॉपिंग, मेरा तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है. दिस इज़ द वन विच इज़ लेफ्ट. 2 चेयर लिए हैं मेरे लिए, एक ज्योति के लिए. ज्योति इज़ होल्डिंग हर चेयर. एंड तो इन शॉर्ट मैंने ये वाली ली है. इट कॉस्टेड मी 499 पर चेयर. तो दोनों चेयर लिया है मैंने. तो अभी और तो और कुछ राइट नाउ मुझे ऐसे कुछ दिखा नहीं है बट आई एक्सप्लोर सम, लेट मी सी. तो कमिंग टू कुकवेयर, यहाँ बहुत सारे अवेलेबल हैं. तो स्टार्ट विथ ये चाय वाली या फिर कॉफ़ी वाली मग है या फिर कप है. तो दिस इज़ 499 बट आपको 200 में मिल जाती है यहाँ. तो
दिस इज इट एंड आप देख सकते हो बहुत सारे अवेलेबल हैं. द बेस्ट पार्ट इज ये ऐसे मुड़ जाती है सो दैट कहीं टकराएगा नहीं. सो हियर कम्स डब्बा कम पैन. तो ये देखो ये फोल्ड होके ऐसे रह जाता है एंड ये आके यहाँ पैन बन गया. और ये रहा ढक्कन और ये स्पैचुला एंड आपका एक कंटेनर है सो यू कैन हैव एंड ईट इट. यहाँ पर आराम से चाय मैगी वगैरह कैंपिंग के कुछ भी यहाँ बना सकते हो और चावल भी बना सकते हो. दो लोगों के लिए आई बिलीव सफिशिएंट है. तो दिस इज इट एंड मोर ओवर बहुत सारे हैं और डब्बे भी हैं ऐसे. यहाँ आप कुछ भी आपके मसाला या फिर ऐसे भी आप कुछ कैरी कर सकते हो. शॉपिंग इज़ डन, वी आर गोइंग बैक होम. ये रहा हमारा कैंपिंग बैग, यहाँ है ज्योति का और ये है मेरा. तो ऐसे तो और कुछ हम लोग को कुछ मिला नहीं कैंपिंग के लिए. मैं एक्चुअली कुछ और देख रहा था, वो अवेलेबल नहीं है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी डिकैथलन में. तो यस वी आर गोइंग बैक. तो ये है मेरा कैंपिंग का और एक गैजेट, ये अपना कैंपिंग का स्टोव है. तो ये ब्रांड है कैंपिंग गैस और इसका कैंपिंग गैस का गैस भी आता है जो कि आइसोब्यूटेन मिक्स है, आप देख सकते हो. ये बेसिकली मैंने कॉम्बो में लिया है, मतलब ये फिजिबल होता है. मैं आपको इसका अमेज़न का लिंक भी दे देता हूँ. तो ये एक्चुअली अमेज़न में मिलता है. तो बाकी सब चीज़ तो आपने देखा होगा, मैंने डिकैथलन से लिया हुआ है बट ये इंस्ट्रूमेंट मैंने लिया है अमेज़न से. तो चलिए इसे खोल के देखते हैं एंड कैसे काम करता है. लेट्स हैव अ लुक. बॉक्स खुलने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा रहता है. ये है उसका मैनुअल, ये उसका पैकिंग. तो वी आर बहुत सेफ है, बहुत सही है पैकिंग एंड दिस इज़ द स्टोव. इसका मटेरियल तो मुझे बहुत सही लगा और इतना ज़्यादा भी वेट नहीं है और इतना काफ़ी लाइट वेट भी नहीं है. इट्स द मटेरियल इज़ रियली गुड एंड बहुत स्टर्ड मटेरियल है. तो आप कैंपिंग में जाओ तो आप ईजिली यूज़ कर सकते हो. चलो अब इसको ऑपरेट करते हैं. मैंने एक ब्यूटेन गैस खोल ली है. लेट्स सी इसको, बस इसको बस आप पुल कर दो, दैट्स इट. बहुत इजीली खुल जाता है. अब इसको लगाते हैं. इट्स क्वाइट सिंपल. ये फ्लैप है, ये फ्लैप को अब जस्ट खोलिए एंड आपने देखा होगा मैंने कैसे ये बस ये जो ट्रिगर है, ये इसका जो पैनल ट्रिगर पैनल है, इसको बस उठाओ एंड ये एंड पे बस करो एंड यहाँ एक लॉक अनलॉक बटन है, आप देख सकते हो. बस इसको लॉक करो, अंदर आ गया, क्लोज कर लो. बेस्ट पार्ट इज यहाँ ऑटो इग्नाइट फीचर है. तो लेट्स स्विच इट ऑन. देखो दिस इज द वे, ये स्विच ऑन भी हो गया है. तो आफ्टर यूजिंग मेक श्योर कि आप इसको लॉक करके रखो, बिकॉज ये इसका ना स्प्रिंग एक्शन से काम करता है. तो इट अगर कहीं लग के लीक नहीं होना चाहिए तो जस्ट इसको ऐसे लॉक कर सकते हैं सो दैट कहीं वो टकरा के बस लीक ना हो. जो एक्सपेक्ट किया था वही हुआ. बेसिकली ये इशू था कि जो क्लच में जो स्प्रिंग रहता है उस पर थोड़ा सा वो रस्ट या कुछ हो गया था शायद. तो इन्होंने वो ल्यूब स्प्रे कर दिया, वो WD-40 जो भी आता है. तो सुजुकी का खुद का कुछ ल्यूब है तो उन्होंने वो स्प्रे किया. WD-40 भी बहुत अच्छा काम करता है. तो अगर आपको ऐसे कुछ इश्यू होता है तो आप ये स्प्रे कर सकते हो. हम यार ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए बहुत लेट निकलते हैं, बिकॉज पीक आवर्स पे निकलो तो ऑफिस जाने का क्राउड रहता है. बट अभी टाइम हो रहा है 12:23, आप ये अभी ट्रैफिक देख सकते हो. देखिए ये है ट्रैफिक रोड्स पे. आप यार कभी भी निकलो, आप ट्रैफिक तो अवॉइड कर ही नहीं सकते. कोई एक रॉन्ग डायरेक्शन में ले आए एंड उसके लिए सब जैम लगा हुआ है. एक के लिए सब सफ़र करते हैं, कोई एक गलत ले आए एंड सब यहाँ ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं. तो यही दिक्कत है. बट नेवरथलेस आपका तो काम है यार, ट्रैफिक में अगर मतलब हो गया तो यू हैव टू गेट स्टक, कुछ कर नहीं सकते. इतना गंदा ट्रैफिक था ना यार, मत पूछो. मतलब लिटरली मैं ऑलमोस्ट हाफ एन आवर ट्रैफिक में फंस गया था. इतना गंदा ट्रैफिक आई हैव नेवर सीन इन द सिटी. एक्चुअली रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो बहुत गंदा ट्रैफिक हो गया था.